myself Sheikh Rimsha Muhammad Arif. I scored 651 in NEET 2024. It was my first attempt. I did my NEET preparation from IIT and SLearn. Currently, I got admission in Rajiv Gandhi Medical College and Shivaji Hospital, Thane. My advice to the juniors will be, आप multiple resources को use करके अपने आप को distract मत करें. Instead, अपने teachers की guidance को follow करें best results के लिए. NEET JEE exam में सफलता पाने के लिए IIT and SLearn के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें. एनसीपी पार्टी की बम्पर जीत और नजीब मुल्ला की हार के बाद अजीज बाटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस किस को ठहराया हार का जिम्मेदार, सुनिए. रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है. 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद महायुति की धमाकेदार विस्मयकारी जीत, चौंकाने वाली, सबको जो है सकते में डालने वाली जीत. इस जीत का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार, कुल 41 सीटों पर जीत हासिल की गई. तो इस जीत की एक तरफ खुशी मनाते हुए मुबरा कौसा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के पदाधिकारी अब्दुल अजीज शेख उर्फ अजीज बाटा और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मध्यवर्ती कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस जीत की खुशी जताते हुए सरकार में रहने के बाद और सरकार में साथ में होने के बाद किस तरह के तेवर होंगे उसकी झलक दिखलाते हुए नजीब मुल्ला, जो मुमरा कलवा 149 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जितेंद्र अवार से हारे हैं, उसके लिए किस किस को जिम्मेदार ठहराया, क्या क्या आरोप लगाए, सुनिए. अजीज भाई, महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार ने 41 सीटें हासिल करी है, उसको लेके जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जो मुझे कहना चाहिए था वो तो आपने कह दिया, माशाल्लाह. मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये ही है, ये आज महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया. जो दूसरी राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार थी वो अब गुम हो चुकी है. यही कहने के लिए हमने ये जश्न का पूरा इंतज़ाम किया और ये बताने के लिए आप लोग को बुलाया कि एक सीट हार जाने से हमारी हिम्मत नहीं कम हुई ना हिम्मत हारे. अच्छा लड़े हमारे नेता नजीब मुल्ला और उनकी टीम नजीब मुल्ला ने बहुत अच्छी जंग लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी. हमने डिसेंसी मेंटेन किया पूरे इलेक्शन में, हमने कोई पर्सनल अटैक किसी पे नहीं किया, कोई क्या नारे लग रहे थे, कई नारे थे, हाँ नारे थे, बहुत से नारे लग रहे थे, मतलब गलत अल्फाजों का इस्तेमाल, गलत अल्फाजों वाले जो नारे लग रहे थे. आपने इतने दिन पूरा मीडिया ने कवरेज किया, पूरा इलेक्शन देखा होगा कि हमारी तरफ से कोई भी बदतमीजी नहीं हुई और ये इतने बदतमीज लोग ये आज साबित हो गया, ये ऑन वीडियो ऐसा करके दिखा रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा. इलेक्शन जीते हो और वो कैसे जीते हो अल्लाह जानता है, डराओगे तो डरेंगे नहीं. ये साफ मैसेज देने के लिए हम यहाँ आके बैठे कि डराना नहीं, इलेक्शन हमने अच्छे से लड़ा था, इलेक्शन खत्म हो गया वहाँ पे, इलेक्शन की लड़ाई खत्म हो गई. बाद में तुम बोलोगे कि इधर इधर ऐसा नहीं चलेगा, खुलकर मैदान में उतरेंगे और फिर हम भी सत्ता 41 सीट के साथ में महाराष्ट्र के लोगों ने साबित कर दिया है कि राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार वाली ही असली पार्टी है. अजीत भाई, एक तरफ महाराष्ट्र में इतना बेहतरीन जो है प्रदर्शन किया है एनसीपी ने, यहाँ मुमरा कलवा में कहाँ चूक हो गई आप लोगों से जो यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर पे संतोष होना पड़ा? देखिए, ये सर आपका बहुत अहम सवाल है और इसको बड़ी संजीदगी से मैं जवाब देना चाहूँगा कि यहाँ पर एक मुसलमान कैंडिडेट होने के बावजूद एक मुसलमान कैंडिडेट के खिलाफ क्या बोलते हैं उसको, गुस्ताखे रसूल का नारा चला, बहुत अफसोस की बात है. एक मुसलमान कैंडिडेट के खिलाफ उलमाओं के ऐलान आए, बहुत अफसोस की बात है. पार्टी कोई भी हो, आज देखो ना हाउस में कितने मुसलमान एमएलए पहुंचे,
अगर ये सोच लेता मुसलमान यहाँ का कि नहीं मैं हमारा मुसलमान भाई खड़ा है, आज 32,000 वोट हमको कलवा के हमारे हिंदू भाइयों ने दिया और हम उसको पार नहीं कर पाए मुमरा में। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। ये आने वाले 5 सालों में लोगों को मालूम पड़ेगा, जो आदमी यहाँ पर जीत के आने से पहले 180 करोड़ रुपये का बजट ला के मुमरा में और कलवा में डाल देता है, उस आदमी को यहाँ के लोगों ने सिर्फ कौम और मिल्लत के नाम पे नकार दिया। डेवलपमेंट के नाम की लड़ाई हुई नहीं। अगर डेवलपमेंट के नाम की लड़ाई होती तो मैं चैलेंज करता हूँ आज भी नजीब मुल्ला साहब के साथ में कोई भी साहब हो एक्स वाई जेड, वो बैठ के खाली डिबेट करके दिखा दे कि पिछले 15 साल से जो पैसे आए कैसे आए, पेपर वर्क के साथ में आज भी हम साबित करने तैयार हैं। यही वजह थी, बड़े अफसोस हो रहा है, टोरेंट जाने की बात थी, वादा किया है साहब ने कि मैं जीतूंगा तो टोरेंट हटाऊंगा। अब मैं बोलता हूं साहब हमने आपको 6 महीना दिया, अब टोरेंट का टी हटा के दिखा दो, मान जाएंगे। अब इनको बहाना मिलेगा कि हमारी सत्ता नहीं इसलिए हम टोरेंट हटा नहीं सकते। तुमने वादा क्यों किया? टेक्निकल लड़ाई है, तुम लड़ सकते हो। तो भी आपकी बात से अंदाजा ऐसा लग रहा है कि टोरेंट हटाने के बाद अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपकी सरकार रोकेगी। देखिए एक बात मैं साफ बोल रहा हूँ, टोरेंट हटाने की ही लड़ाई थी। यहाँ का मुसलमान टोरेंट से परेशान है, गरीब मुसलमान टोरेंट से परेशान है। एक एक झोपड़पट्टी में 3,000-4,000 का बिल आ रहा है, वो टोरेंट के नैरेटिव को तोड़ा है उलमाओं के फैसले ने, जो नहीं होना चाहिए था। क्या वो उलमा आएंगे अब ये गरीबों का बिल भरने, या वो उलमा बताएं बोलेंगे व्हाट्सएप को ये गरीबों का बिल है, हम लोग अभी रोज 50 गरीब भेजेंगे उनके यहाँ पे कि इनका बिल का क्या है करके दिखाओ। उलमा बहुत एहतराम की जगह पे, आज भी हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जो राजनीति हुई ये गलत था। गुस्तागे रसूल का साथी बोलकर जो बदनाम किया गया एक मुसलमान भाई को, ये सरासर गलत था, और ये उलमाओं ने किया ये और भी गलत बात थी, ये नहीं होना चाहिए था। अजय दादा पवार मुमरा शहर में आए थे तो कुछ उन्होंने वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो वो वादे मुमरा और कलवा के लिए दे जाएंगे, तो अब नजीब भाई के बाद उन वादों पे क्या राय रखना चाहेंगे? देखो पहली बात तो ये कि अजीत दादा का वादा मतलब वादा है, खोखला नहीं। 15 साल से जो बोल रहा है, बोल बच्चन कर रहा है, जिसको खाली ये आता है दूसरा कुछ नहीं आता है, वैसा नहीं है, वो अजीत दादा है, समझे ना। अजीत दादा ने वादा किया था कि नजीब को जीता के लाओ मैं 3,000 करोड़ मुमरा कलवा को दूंगा, लेकिन मुमरा कलवा के लोगों ने नजीब को चुनकर नहीं लाया। बड़े अफसोस की बात है, जो लोगों ने नजीब भाई को वोट दिया ना, ये सब समझदार लोग थे, ये जज्बाती लोग नहीं थे, हिंदू मुस्लिम के लहर में बहने वाले लोग नहीं थे, कौमी डायलॉगबाजी में बहने वाले लोग नहीं थे, समझदार लोग थे। जो सुलझे हुए लोग थे ना, उन्होंने ही नजीब मुल्ला को वोट दिया। जो जाहिल टाइप के लोग थे उन्होंने जो है ना नजीब मुल्ला के खिलाफ वोट डाला, ये मैं आज बिल्कुल खुलकर बोलूँगा। अगर हकीकत होती तो देखते परखते, ये नजीब मुल्ला आने के पहले आपको 180 करोड़ रुपया ला के दे रहा है, और एक आदमी ने 15 साल में 80 करोड़ रुपया नहीं लाया ऐसा स्टेट से, फ़र्क देख लेते और डेवलपमेंट के नाम पे लड़ते ना तो मज़ा आती। यहाँ पे बीजेपी, नामोस रिसालत, गुस्ताखे रसूल, कौम, ये वो सब कर जो है ना पूरे मुसलमानों का दिमाग जो है ना ख़राब कर दिया गया। आज इंशाल्लाह हम लोग यहाँ है, हमारी एक नई टीम बनी है, टीम नजीब मुल्ला, हम पूरा मजबूती से अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और इनसे काम करवाएंगे। ये अब घर में नहीं बैठ सकते, इनसे काम करवाएंगे, इनको करना पड़ेगा। ये 5 साल काम नहीं करेंगे तो हम करेंगे काम। मतलब टोरेंट का मुद्दा शहर में जारी रहेगा आगे? बिल्कुल टोरेंट का मुद्दा जारी रहेगा, जिसने वादा किया था कि मैं जीत के आऊंगा तो टोरेंट हटाऊंगा, तो हम उनको ये बोल रहे कि आप 6 महीना ले लो टोरेंट हटा दो। नहीं, वो हटाने की बात नहीं कर रहे, मीटर निकालने की बात कर रहे हो। मीटर निकालने से टोरेंट हट जाएगी क्या? मीटर निकालने से होगा क्या, ये बताओ टेक्निकल, ये बात बताओ कि मीटर निकालने से क्या होगा। अजीत भाई अभी जैसा आप बता रहे कि अजीत पवार साहब ने जो वादे किए थे उसका बेस था कि नजीब मुल्ला जीत करके आएंगे, तो नजीब मुल्ला जीत कर नहीं आए,
तो महाराष्ट्र की सरकार का क्या मुमरा हक नहीं रहेगा? बिल्कुल हक रहेगा। मैं यही तो वो बात अधूरी रह गई थी कि वो वादा है तो वादा अपनी जगह कायम रहेगा। पहले जो आमदार जीत के आया है उसको बोलो पहले बजट में क्या पैसा ला के मुमरा को देता है, वो करके तो दिखावे। नहीं तो हम लोग तो है, नहीं तो नजीब मुल्ला तो है ही ना, बगैर आमदार के उसने 180 करोड़ रुपया लाया है। तुम पहले बजट में मुमरा के लिए लाके तो दिखाओ स्टेट से, तुम क्या फंड लाते हो, तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी है क्या? मतलब जो राबोड़ी उनको लौटने की बातें हो रही है उनमें हकीकत नहीं है कुछ? बिल्कुल हकीकत नहीं है, हम यहीं पे है, यहीं रहेंगे। वो हमारा नेता है, वो नेता रहेगा और पूरी ताकत के साथ। पहले तो लोग ये इल्जाम लगाते थे कि हमसे छीन ले गए। अब 41-41 जीत कर आए, तुम सिर्फ 10 में सिमट कर रह गए हो। ये आज साबित हो गया है कि असली राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार की है और किसी की नहीं। क्या नजीब मुल्ला साहब 5 साल पूरे फिर से मुमरा में देंगे जो 2 महीने का वक्त दिया था उन्होंने अब तक? तुम सवाल सही पूछे लेकिन उसमें वक्त गलत दिए हो। नजीब मुल्ला साहब पिछले साल अगस्त से मुमरा में एकदम एक्टिव है, पिछले अगस्त से। और 5 साल की बात क्या कर रहे हैं, अभी 4-6 महीने में इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और इसी नरेटिव के साथ लड़ेंगे हम कि हम सत्ता में है। हमारे साथ सत्ता में जो भी है वो हमारा साथी है। तुमको वो लग रहा है कि बीजेपी है, ये है, वो है, तो हम तुमको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी वो शिवसेना है जिसने मस्जिद शहीद की थी। ये मुसलमानों को समझना होगा, नहीं जाना होगा, उलमाओं को समझाना होगा। जो उलमा किसी के पास जा रहे ना कि भाई ये बीजेपी वाले इनको वोट नहीं देना है, तो उनको समझाना होगा, उनको वोटर को बोलना होगा कि मौलाना तुम्हारे इनके साथ में तो मस्जिद शहीद करने वाली शिवसेना, उसका क्या? 10 लोग सवाल करेंगे ना तो 11वें आदमी से कोई उलमा सवाल नहीं करेगा, खामोशी से अपने मस्जिद मदरसे को पकड़ के बैठ जाएगा। आजीज भाई, उलमा की ताकत का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से इस विधानसभा चुनाव में हुआ वो देखने को मिला, तो ये जो बाकी के 5 साल जो होते हैं तो उसमें उलमाओं को आगे क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, जब आप कह रहे हैं कि उनको लेके चलने की बात है तो इस पर कितना अमल करेंगे आप लोग? देखिए, मैं तो साफ साफ बोलूंगा कि शरीयत इजाजत देती है एक ईमान वाले को सियासत करने की, लेकिन शरीयत साफ सुथरी सियासत करने की इजाजत देती है ना? तो हर ईमान वाले को हक है कि वो सियासत करे, चाहे वो एक आम आदमी हो या कोई एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, नेता हो या उलमा में से कोई, हर किसी को हक है सियासत करने का, लेकिन साफ सुथरी सियासत करे, शरीयत के दायरे में रहकर सियासत करे। तुम किसी पे भी गुस्ताख रसूल का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते एक ईमान वाले पे। गुस्ताख को तो फिर भी माफ़ी है। जो जैसा मुन्ना भाई ने हमारे बोले थे, मुन्ना साहिब ने, कि अल्लाह की शान में जिसने गुस्ताखी की उसको माफ़ी तुम कैसे दे रहे हो? वोट हो गया, एक जैन बना चुके थे ये लोग 4 महीने से, MLA MP इलेक्शन से बीजेपी, तो लोगों का जैन बना हुआ था। लेकिन मैं अब मेरे मुमरा कोसा के लोगों से ये हाथ जोड़ के बोलूँगा कि आइंदा ध्यान रखो, वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बातों पे देना है, ना कि कौम मिल्लत की बातों पे देना है, ना किसी मौलवी या पंडित के बातों में आके देना है। अजीज भाई, आप बोल रहे हो कि गुस्ताखे रसूल के बारे में किसी की माफ़ी नहीं है कहा ना, तो आपके ही यहाँ से ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी अवार्ड साहब की जो पिक्चर्स बना के जो वायरल की गई थी उनके साथ, रामगिरी महाराज के साथ, वो एक फेक वीडियो भी वायरल हुआ था। नहीं, उसका इससे कोई लेना देना ही तो नहीं है। उन लोगों ने ऐसा आरोप है कि आपकी तरफ से ही कहीं से ये वायरल हुआ। मैं बता रहा हूँ ना कि उसका इससे लेना देना है कि यहाँ गुस्ताखे रसूल की बात हो रही है, गुस्ताखे अवार्ड की बात नहीं हो रही है। आप भी तो सवाल गलत कर रहे हो, गुस्ताखे रसूल की बात चल रही है, गुस्ताखे अवार्ड। अजीज भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि नजीब मुल्ला को महायुति के जो उम्मीदवार थे, जो जिसमें बीजेपी के नीतीश राणे हैं, फिर ये रामगिरी महाराज और जो टुकड़े टुकड़े में जो बयान आता है इलेक्शन के दौरान, वो उनको भारी पड़ गए, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, मैं साफ तौर पे बोलूँगा कि कोई भी चीज़ भारी पड़े मुमरा के लोगों को, मुमरा के यहाँ के रहिवासियों को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको यहाँ के डेवलपमेंट से लेना। ये स्टेट की लड़ाई चल रही थी, ये सेंट्रल की लड़ाई नहीं चल रही थी। सेंट्रल की जब लड़ाई चली तो हम सब खामोश होके घर में बैठे हुए थे कि नहीं, आप लोग इस बात के गवाह हो। यहाँ स्टेट की लड़ाई हो रही थी। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ
एक नए कैंडिडेट को, एक नौजवान चेहरे को हमने सामने लाया था, ढूंढ कर लाया था, क्योंकि मुमरा में इस लायक कोई था ही नहीं, या जो यहाँ का एमएलए उसने किसी को ऐसा इस लायक छोड़ा ही नहीं था, दबा के रखा हुआ था, हिम्मत करने वालों को दबा के रखा हुआ था। लेकिन अब एक मजबूत अपोजिशन आ गया है, इंशाल्लाह अब ये कुछ नहीं चलेगा। जो इशारों में उन्होंने धमकियां देके गए ना, मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, धमकी नहीं देना, इलेक्शन ख़त्म, तो इलेक्शन की दुश्मनी ख़त्म। अब धमकी नहीं चलेगी, अब एक्शन, हर एक्शन पे रिएक्शन होगा इंशाल्लाह। Thank you.